टेक रहे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्य आत्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया, तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी होते हैं, अपने भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो कहने उदाट कर वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति की, तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे भाई, फिर उपदेश ले ले। अगना जी बनी ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा, परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के दो लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा खूब प्यार से, सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आ जा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जा हैं काम कर रहे हैं, और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बड्डे हो जा थोड़े से फिर मैं भक्ति करूँगा। बहुत कहने पर भी ने बोला ना बाबा जी दुखी ना करे मने, क्यों पोते घने पैरे लग गया करे, यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोलने को धमका दे कोई खुरका दे, और वो पोते बोले अगरे पैरे पैरे तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तू तो सब ऐसा ही, तेरे तो कोई लाग नहीं कोई संतान नहीं, तने के पता संसार के उसका है, कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं हो या करे, पोते बड्डे हो लेंगे फिर बात करूँगा तेरे ते, फिर जरूर नाम ले लूँगा, पक्की बात हो रही। नो टाल टूल दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में, तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी। वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की चुनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था महात्मा कई बार आया करते, रोक दिया कहा महाराज जी कैसे आना हुआ, भाई डट जा तेरे बाबू तो दो बात बतलाऊंगा।
उस बैल के कान में निकट सी जाके कहने लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा और तू चाल। देख ये दुखी हो रहा, तेरा लठ लागे, तेरा बेटा लठ मारे हैं और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के कह है वो बैल जो कह बाबा जी तू बोल रहे मत, अब मैं यहाँ से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटे ने टोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब ही हो। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटे गए। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को एक याद होता है, उसने कहीं धन गाड़ रखा, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से धन, जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के वहा करते सिक्के, वो लको दिए छुपा दिए, तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया, शोर मचाया, सांप सांप उन बेटे ने मारा लठ उसके, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लगी उसके, कंडेम हो गया बीच तय, वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ दंग उन बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए कहा सुना भगत जी अब आवेगा मेरी शरण में, न्यो बोला जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो, मैंने देख लिया कोई नहीं किसे का। परमात्मा बोले सांकड़ी तड़वा का आया तू मेरी शरण में, आया था पर यह हड्डी तड़वा के पसड़ी तड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसे का, और हम रोज रोन लाग रहे कोई किसे का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बारा बट। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो वो सूत में होगा कि ना, फिर वह बीमारी शुरू कर लिया मनमाने। तो ऐसे दयालु हैं परमात्मा, पुण्यात्माओं ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये ज्ञान नहीं मिलता आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं, और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है जो आप यहां पहुंच रहे हैं, और ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोल सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये सत्य संदेश हम सभी तक पहुंचा। असंग जन्म हो गए हमने इस काल के जाल में, इस भ्रमित ज्ञान के आधार से साधना करते हुए और जन्मते और मरते हुए, हमने इस अज्ञान आधार से ये मान लिया था कि जन्म और मृत्यु ये अटल विधान है और ये सदा बना रहेगा। इन तत्वज्ञान इन ऋषियों महर्षियों गुरुओं मंडलेश्वरों ने यही बता रखा था कि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया कि जो साधनाएं आप करते हो वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। प्रत्येक युग में परमेश्वर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं। अपने पाने की विधि यानी आप जी को सतलोक पहुंचाने की यथार्थ विधि वो स्वयं ही आकर बताते हैं, परंतु हम अज्ञान के आधार से इतने भ्रमित हो चुके होते हैं कि हम परमात्मा की वाणी को स्वीकार नहीं करते। जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है
यही समस्या परमेश्वर जी के सामने 600 वर्ष पूर्व उपस्थित थी, लेकिन आज जो समस्या है वो हल होगी व हो रही है, उस समय उसके हल होने का कोई विकल्प नहीं था। जब परमेश्वर 600 वर्ष पूर्व बनारस में काशी शहर में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूलों पर फूल पर वो परमात्मा सशरीर आए थे, और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे प्रभु, उसी समय से ये ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्रचार करने लग गए थे, और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान माने जाने वाले ऋषि महर्षियों को परमात्मा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, जिस कारण से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि परमात्मा कबीर देव जी को ये कहकर के अवॉइड कर देते थे कि ये तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, निअक्षर है, निरक्षर है ये, और ये वेदों और कतेबों, गीता जी और पुराणों के विषय में गलत स्टेटमेंट दे रहा है। और जो ऋषि महर्षि थे, मंडलेश्वर ब्राह्मण, हिंदू धर्म के मार्गदर्शक, वो सभी शिक्षित थे, यानी संस्कृत भाषा को जानते थे, और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास हो गया कि कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, और ये भले ही कुछ शक्ति युक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत से दुख दूर हो रहे थे, तो जितने भी वो शिष्य थे परमात्मा के, 64 लाख शिष्य हुए थे, वो परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक सुख के कारण, भौतिक सुख के कारण ही वो शिष्य बने थे, और जिस कारण से वे टिक नहीं पाए और परमात्मा के ज्ञान को जो वो बोला करते थे एक पुण्य आत्मा ने लिपिबद्ध कर लिया था। वो पुण्यात्मा है धर्मदास जी, जो पहले ऐसे ही उलट ज्ञान से रंगे हुए थे और परमात्मा का बहुत विरोध कर रहे थे, तो उस समय तो इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों की दाल गल गई थी, ये कह करके परमात्मा कबीर जी जो हैं ये अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, ये ऊट पटांग बातें बक रहे हैं, जिस कारण से परमेश्वर के उस ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया जो आज आप जी के समक्ष शिक्षित समाज के सामने अब ये दास रूबरू कर रहा है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर हैं। लेकिन उस समय परमात्मा की समरवाणी का मजाक उड़ाया गया और परमेश्वर जी के ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया। छह सौ वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान दिया करते थे।